वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज यूनिट 6 ही कंटिन्यू करेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स के साथ। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, इसका मतलब क्या है? मूवेबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे आसानी से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आसानी से लेके जाया जा सकती है। यदि मूवेबल एसेट कंपनी की है या फिर एम्प्लॉयर से बिलोंग करती है पर उसका इस्तेमाल एम्प्लॉय करता है तो उसका टैक्सेशन कैसे होता है वो देखेंगे। सबसे पहले यदि आप कंपनी का लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरा केस ये है कि अगर मूवेबल एसेट लैपटॉप और कंप्यूटर को छोड़कर, लैपटॉप और कंप्यूटर को छोड़कर और वो एसेट जो स्पेसिफाई की गई हैं रूल्स में उनको छोड़कर यदि आप कोई मूवेबल एसेट का इस्तेमाल करते हैं जो कि कंपनी से रिलेटेड है या एम्प्लॉयर से रिलेटेड है तो उसका टैक्सेशन कैसे होता है वो देखते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर कंपनी ने या फिर एम्प्लॉयर ने वो मूवेबल एसेट खुद परचेज कर रखी है और एम्प्लॉय यूज करता है तो आपको उसका 10% कॉस्ट का निकाल लेना है, उस पर आपको अपना टैक्सेशन करना होगा और अपनी टैक्स स्टेटमेंट में लिखना होगा। यदि ये मूवेबल एसेट कंपनी ने या एम्प्लॉयर ने खुद उधार पे ली है या रेंट पे ली है तो जो एक्चुअल में रेंट पे करती है कंपनी तो एम्प्लॉय को उतना अमाउंट अपनी टैक्स स्टेटमेंट में दिखाना होगा। समझ में आ गया? तो इन दोनों में से एक ऑप्शन वैलिड होगा। अब ये ऑप्शन तब वैलिड होगा यदि कंपनी ने वो मूवेबल एसेट खरीदी हुई है, ये ऑप्शन तब वैलिड होगा यदि कंपनी या एम्प्लॉयर ने वो एसेट खुद रेंट पे या उधार में ले रखे हैं। इस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका ध्यान आपको रखना है। जब आप 1 और 2 जो भी कैलकुलेशन वैलिड होता है अपनी टैक्स स्टेटमेंट डालते हो, टैक्स स्टेटमेंट में डालते हो तो आपको उसमें से माइनस करना होगा वो अमाउंट यदि कंपनी या एम्प्लॉयर कोई पैसा एम्प्लॉय से रिकवर करती है। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल से देखते हैं। समझ लीजिए एक एसेट का मुझे प्रोवाइड की गई है जो कि 2 लाख की एसेट थी, दो लाख की एसेट थी तो उसका जो 10% है मैंने निकाला 20,000 जो कि मैं अपने टैक्स स्टेटमेंट में दिखाऊंगी, पर मेरी कंपनी ने मुझसे 10,000 पहले ही रिकवर कर लिया तो मैं यहां से माइनस कर दूंगी 10,000, फिर इसका मतलब मैं अपने टैक्स स्टेटमेंट में क्या दिखाऊंगी, रिमेनिंग 10,000। समझ में आ गया? तो यही ये वाला पॉइंट कहना चाहता है और पर्पज इसमें यही होता है, यदि कोई भी पैसा एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया जाता है तो वो पर्पज जब आप टैक्सेशन में अपने टैक्स स्टेटमेंट में डालते हैं तो आप उस अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे उस अमाउंट से यदि कोई एम्प्लॉय पैसा पे करता है। हर प्रकार के पर्पज में यही एप्लीकेबल होता है तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज कि ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल एसेट। पीछे जो मैंने आपको बताया था वो था कि आप मूवेबल एसेट का इस्तेमाल करते हैं, यदि एम्प्लॉयर या कंपनी अपने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट बेच देती है या ट्रांसफर कर देती है तो इसका टैक्सेशन कैसे होता है। पहली एसेट आती है कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। यहाँ पे बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यहाँ पे हम होम अप्लाइंसेस जैसे फ्रिज और ओवन या इन सब का को कंसिडर नहीं करेंगे और ना ही कैमरे को कंसिडर करेंगे, स्पेसिफिक है इस बात का ध्यान रखना। कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो इसका टैक्सेशन क्या करोगे कि जितने भी अमाउंट में एम्प्लॉयर ने उस एसेट को खरीदा था, मतलब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को खरीदा था तो एम्प्लॉयर ने उसके लिए कितना पैसा पे किया पहले आप वो लिखोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे 50% डिप्रिसिएशन WDV मेथड के हिसाब से। WDV मेथड क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो कि हमने अकाउंट्स में सीखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप 50% डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे कंप्लीटेड ईयर्स का। ठीक है, अगर कोई मंथ में बचता है कोई मंथ तो वो कंसिडर नहीं करना, कंप्लीटेड ईयर। अगर समझ में नहीं आ रहा आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी समझ में आ जाएगा। कंप्लीटेड ईयर्स का हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 50% तक जब तक एम्प्लॉयर उस एसेट को यूज करना है। बेसिकली जैसे अकाउंट्स में होता है जब हम एसेट को बेचते हैं या जब तक हम एसेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं फिर उसके बाद फाइनली हम उसको बेचते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है कि एम्प्लॉयर जब तक एसेट का इस्तेमाल कर रहा है तो उसने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया उन कंप्लीटेड ईयर्स का वो हमें कंसिडर करना है। अगर यही एसेट मोटर कार्स होती है, यही एसेट अगर मोटर कार्स होती है तो कैलकुलेशन कैसे होगा, पहले होगा एक्चुअल कॉस्ट, एम्प्लॉयर ने कितनी कॉस्ट में उस गाड़ी को खरीदा था, फिर माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन कंप्लीटेड ईयर्स का। बात समझ में आनी चाहिए, कंप्लीटेड ईयर्स का जब तक एम्प्लॉयर उस एसेट को या कंपनी उस एसेट को इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट 20% है और WDV का मेथड यूज होगा। नेक्स्ट आता है कि एनी अदर एसेट, इन दोनों एसेट को छोड़ने के बाद जो एसेट बचेंगी उसका कैसे कैलकुलेशन होगा। इसके अंदर जैसे कैमरा आ गया एग्जाम्पल के तौर पे या होम अप्लायंसेस आ गए तो इसका कैसे कैलकुलेशन होगा, आपको पहले एक्चुअल कॉस्ट देखनी होगी कि एम्प्लॉयर या कंपनी ने उस एसेट को कितने में खरीदा, माइनस करोगे आप 10% डेप्रिसिएशन। यहाँ पे SLM मेथड है, ऊपर वाले दोनों मेथड में WDV था,
यहाँ पे SLM मेथड है इसका, बात का ध्यान रखना। तब तक हम उस डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे जब तक एम्प्लॉयर या कंपनी उस एसेट को यूज करती है। अगर समझ में नहीं आया तो आगे एग्जाम्पल है उससे समझ में आ जाएगा। और एक और मैंने बात पीछे भी बताई थी कि जब भी हम टैक्स स्टेटमेंट में परक्विजिट की वैल्यू डालते हैं तो वैल्यू डिडक्ट हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है उस अमाउंट से यदि एम्प्लॉय से कोई पैसा रिकवर कर दिया जाता है। तो इस केस में भी यही है, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो ए बी या सी की, अगर कोई पैसा एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया जाता है तो वो माइनस हो जाएगा। अब हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। समझ लीजिए, मिस्टर आर को कैमरा यूज करने की परमिशन थी जो कि कंपनी से बिलोंग करता था, ठीक है। फिर ये कंपनी ने ये जो कैमरा खरीदा था वो 50,000 का खरीदा था 1/5/2018 को, और ये कैमरा फिर कंपनी जो है मिस्टर आर को बेच देती है 1/8/2021 को 20,000 में। तो देखते हैं कि इसका कैसे टैक्स स्टेटमेंट में हम परक्विजिट की वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले आपको एक्चुअल कॉस्ट लिखनी है जो कि 1/5/2018 को इसकी कॉस्ट जब कंपनी ने इस कैमरे को खरीदा था वो थी 5,000, ठीक है। और जैसा कि ये कैमरा है तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10% लगेगा, SLM मेथड पे लगेगा। SLM मेथड का मतलब क्या होता है कि सेम डेप्रिसिएशन ही चार्ज होता है, तो 10% निकालेंगे 50,000 का जो कि हो जाएगा 5,000। और यही जब तक एम्प्लॉयर या कंपनी उस कैमरे को इस्तेमाल करती है तो हम 5,000 उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब हम मैंने कहा था कंप्लीटेड ईयर्स कंसीडर होंगे, तो सबसे पहला ईयर क्या होता है 1/5/2018 से लेके 34/2019 तक, पहले ये एक साल हो गया मैं इसका 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी। फिर उसके बाद आता है 1/5/2019 से लेके 30/4/2020, ये मेरा सेकेंड ईयर हो गया तो मैं 5,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी। फिर 1/5/2020 से लेके 30/4/2021 मेरा थर्ड ईयर होता है, यहाँ पे आ जाएगा 5,000, तो मैं इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी 15,000। अब आपने एक बात का ध्यान दिया कि मैंने अपनी जो कैमरा है, मतलब मैंने नहीं, कंपनी ने जो अपना कैमरा है 1/8/2021 को मिस्टर आर को बेचा है, ठीक है। तो अभी तो मैंने यहाँ पे 30/4/2021 तक का ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो अभी मेरे पास 3 महीने और बचे हैं जिसका डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज नहीं किया। क्यों नहीं किया 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था हमें कंप्लीटेड ईयर्स लेने हैं। अगर कुछ मंथ बच जाते हैं बेचने से पहले, अगर कोई एसेट को बेचने से पहले कोई मंथ बच जाते हैं तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, जैसे इस केस में हम 3 महीने को, ये जो 3 मंथ्स है हम इसे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब 1/8/2021 को हमने इस कैमरे को मिस्टर आर को बेच दिया है, तो इसका टैक्सेशन कैसे होगा, पहले मैं 50,000 में से 15,000 का जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो माइनस करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 35,000। तो मैं अभी टैक्स स्टेटमेंट पहले 35,000 परक्विजिट दिखाऊंगी, माइनस करेंगे हम 20,000 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमने 20,000 में मिस्टर आर को ये कैमरा बेचा था, तो मेरे को टैक्स कितने रुपए पे देना पड़ेगा, 15,000 पे। आई होप आपको समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज करते हैं। यदि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को कोई एसेट ट्रांसफर करता है तो या फिर बेच देता है, ठीक है, समझ में आ गया। और मंथ्स कंसिडर नहीं करेंगे, बेचने से पहले अगर कुछ मंथ्स रह जाते हैं तो उसे इग्नोर कीजिएगा, हमें कंप्लीटेड ईयर्स कंसिडर करने हैं डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट फ्रिंज बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी प्रकार का बेनिफिट या कोई भी फैसिलिटी, कोई भी सुविधा या प्रिविलेज एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो जो एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉयर पे करता है वो आप परक्विजिट कहलाएगी, और आप वो उसे टैक्स स्टेटमेंट में लिखिएगा और उसमें से माइनस कर दीजिएगा वो अमाउंट यदि एम्प्लॉय कोई पेमेंट करता है या एम्प्लॉय से पैसा कोई रिकवर किया जाता है तो उस बेनिफिट को यूज करने के लिए। जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर एम्प्लॉय किसी भी प्रकार का पैसा पे करता है किसी सुविधा को यूज करने के लिए या किसी भी पर्पजेस को यूज करने के लिए, किसी भी प्रकार का वो पैसा पे करता है एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही है, तो वो जो पर्पजेस का मेन वैल्यू होती है जो हम अपने टैक्स स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं तो वो रिड्यूस हो जाती है उस अमाउंट से जितना एम्प्लॉय पे करता है। इस बात का मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, वैल्यूएशन ऑफ पर्पजेस फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पार्ट वन में बताई थी। उस आप वैल्यूएशन सीखेंगे कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को जो सुविधाएं प्रोवाइड होती है तो उसका कैसे हम टैक्सेशन करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मोटर व्हीकल या मोटर कार या फिर कोई व्हीकल जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो इसका कैसे टैक्सेशन होता है ये देखते हैं। सबसे पहले आता है कि अगर मोटर कार या अदर व्हीकल्स एम्प्लॉयर से कनेक्टेड है, कनेक्टेड का मतलब है कि एम्प्लॉयर ने खरीदी हुई है कार और फिर वो अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए देता है तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगी, तो फिर हम यहाँ पे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही टैक्सेशन करेंगे। बात समझ में आई मैंने क्या बोला,
कि यदि गाड़ी जो है, कार है या कोई व्हीकल है एम्प्लॉयर से जुड़ी है, एम्प्लॉय को उसको सुविधा मिलती है उस कार को इस्तेमाल करने का या कोई और व्हीकल को इस्तेमाल करने का, तो वो जो एम्प्लॉय है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। दूसरा केस ये आता है कि यदि मोटर कार और अदर व्हीकल एम्प्लॉय से रिलेटेड है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे सेकेंड केस ये है कि जो एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर की कार या कंपनी की कार नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉय की कार है या अदर व्हीकल है, वो भी एम्प्लॉय का है, पर उस कार का या अदर व्हीकल का मेंटेनेंस और रनिंग के जो चार्जेस होते हैं वो एम्प्लॉयर इंकर करता है या कंपनी उठाती है उसका खर्चा, तो फिर क्या होगा, सारे के सारे प्रकार के एम्प्लॉयज, वेदर यू आर स्पेसिफाइड और नॉट स्पेसिफाइड, चाहे आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हो या स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज नहीं हो, सबको उस पर टैक्स देना है। वैसे इतना कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉयर आपको गाड़ी प्रोवाइड कर रहा है अपनी यूज करने के लिए तो टैक्स देना है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कहते हैं उन एम्प्लॉयज को। और यदि आपकी कार है और मेंटेनेंस और उसके रनिंग चार्जेस एम्प्लॉयर पे करता है तो सभी प्रकार के एम्प्लॉयज को उसका टैक्स देना है, चाहे वो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे थोड़ा सा ब्रॉड में समझाया तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे केसेस आते हैं, आपको केसेस समझने से पहले देखना है कि जो कार आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इंजन कैपेसिटी कितनी है, 1.6 लीटर से कम है, 1.6 लीटर से कम है या फिर 1.6 लीटर से ज्यादा है, इसी हिसाब से टैक्सेशन होता है। अब हम देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटर कार का, क्वेश्चन में जरूर ये गिवन होती है इसकी एडजस्टमेंट, तो ध्यान देना। सबसे पहला केस आता है मोटर कार या कार जो भी या फिर कोई भी व्हीकल, अगर मोटर कार एम्प्लॉयर ने खुद खरीदी हुई है, मतलब वो कार एम्प्लॉयर की है या फिर कंपनी की है, उन्होंने हायर की हुई है या खुद खरीदी हुई है, और उसके रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी एम्प्लॉयर ही पे करता है। यहाँ पे दोनों चीज एम्प्लॉयर ही उठा रही है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है, उसके रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी एम्प्लॉयर उठाता है या फिर कंपनी उठाती है, तब हम इसका टैक्सेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला केस आता है कि ये जो कार है सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए यूज की जाती है एम्प्लॉई के द्वारा। ये जो कार है जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, जिसके रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉयर उठा रहा है, इस कार का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए किया जा रहा है, तो एम्प्लॉई को किसी भी प्रकार का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है दोनों केसेस में, चाहे गाड़ी 1.6 लीटर से ज्यादा हो उसकी कैपेसिटी या फिर 1.6 लीटर से ज्यादा उसकी कैपेसिटी हो या कम हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट केस आता है कि गाड़ी एम्प्लॉयर की है, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी एम्प्लॉयर उठाता है, पर एम्प्लॉई इसका इस्तेमाल कंप्लीटली पर्सनल यूज के लिए करता है, मतलब अपने प्राइवेट यूज के लिए करता है, तो हम इसका टैक्सेशन कैसे करेंगे। दोनों केस में सेम है, 1.6 लीटर से ज्यादा हो कार की कैपेसिटी या कम हो, ठीक है, कैसे करेंगे हम इसका टैक्सेशन। एम्प्लॉयर रनिंग एंड मेंटेनेंस में कितना एक्सपेंसेस इंकर्ड करता है, पहले आपको ये लेना है, समझ में आया, एम्प्लॉयर रनिंग और मेंटेनेंस में कितना एक्सपेंसेस पे करता है, पहले आपको वो लिखना है, प्लस जो मोटर कार की कॉस्ट है उसको आपका 10% निकाल के आप उसको ऐड करोगे, फिर आपको प्लस करना है यदि आपको ड्राइवर की सुविधा भी मिल रही हो, अगर आपको ड्राइवर की सुविधा भी मिल रही हो वो ऐड करना है। तीन चीजें ऐड करनी है, क्या बोला मैंने, फर्स्ट रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस या एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयर बियर करता है या इंकर करता है, फिर आप प्लस करोगे 10% मोटर कार की जो कॉस्ट होगी, मोटर कार की जो कॉस्ट है उसका 10% निकालिएगा, प्लस अगर आपको ड्राइवर की सुविधा में मिल रही है तो ड्राइवर की कॉस्ट भी ऐड करोगे, माइनस करोगे वो अमाउंट यदि एम्प्लॉय से कोई पैसा रिकवर किया जाता है, तो इफ एनी, यदि ऐसा है तो, अदरवाइज इस पॉइंट को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम केस ही है, मैंने आपको बताया था, चाहे 1.6 लीटर से ज्यादा हो उसकी कैपेसिटी या कम हो, दोनों के लिए केस सेम है। नेक्स्ट आता है कि ये जो गाड़ी है जो एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, एम्प्लॉयर ने हायर की है या एम्प्लॉयर खुद की है, और रनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस जो है एम्प्लॉयर पे करता है, पर इस गाड़ी का इस्तेमाल दोनों पर्पस के लिए किया जाता है, एम्प्लॉय इसको ऑफिशियल पर्पस के लिए अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए भी यूज करता है और अपने पर्सनल यूज के लिए भी करता है, तो इस केस में टैक्सेशन कैसे होगा। और मैंने आपको बताया था रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी एम्प्लॉयर ही पे करता है, तो इस केस में हम टैक्सेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि गाड़ी की इंजन की कैपेसिटी कैसी है, कितनी है। तो यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी की जो आपको प्रोवाइड की कर रहा है एम्प्लॉयर उसकी कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है तो आप कितना लोगे, 1800 पर मंथ, और आपको ड्राइवर की सुविधा भी मिल रही है
तो 900 पर मंथ। समझ में आ गया? अगर जो गाड़ी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है उसकी कैपेसिटी, उसके इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है तो आप कितना लोगे? 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देना और फिर अपनी टैक्स स्टेटमेंट में दिखा देना। आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ में आ गए। अब केस टू देखते हैं। इसमें मोटर कार जो है एम्प्लॉयर की है, मोटर कार एम्प्लॉयर या कंपनी की है, उन्होंने हायर कर रखी है, पर रनिंग एंड मेंटेनेंस के जो चार्जेस हैं वो एम्प्लॉय पे करता है। तो अगर ये गाड़ी का इस्तेमाल ऑफिशियल पर्पस के लिए एम्प्लॉय यूज करता है तो आपको दोनों केसेस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस आता है अगर आप पर्सनल यूज के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यदि एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ उस कार का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए या प्राइवेट यूज के लिए करता है तो इसका टैक्सेशन कैसे होगा? दोनों में सेम है, चाहे आपकी इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर की हो या 1.6 लीटर से ज्यादा हो। आपको क्या करना है, जो मोटर कार होती है, मोटर कार की जो कॉस्ट होती है उसका 10% निकालेंगे, प्लस करेंगे ड्राइवर की कॉस्ट। अगर एम्प्लॉयर आपको ड्राइवर की सुविधा दे रहा है तो ड्राइवर की कॉस्ट ऐड करोगे, माइनस यदि कोई पैसा रिकवर किया जाता है एम्प्लॉय से। सेम यहीं पे सेम इसका कैलकुलेशन है या वैल्यूएशन है। नेक्स्ट केस आता है यदि इस गाड़ी का इस्तेमाल ऑफिशियल ड्यूटीज और पर्सनल यूज दोनों के लिए होता है, मतलब हम प्राइवेट यूज के लिए भी करते हैं और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए भी इस कार का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है इस केस में? इस केस में ये होता है कि अगर 1.6 लीटर से आपकी गाड़ी की इंजन की कैपेसिटी कम है तो आपको 600 पर मंथ देना पड़ेगा, और अगर ड्राइवर की सुविधा मिल रही है तो 900 पर मंथ। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी की जो इंजन की कैपेसिटी है 1.6 लीटर से ज्यादा है तो 900 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ अगर ड्राइवर की सुविधा मिल रही है तो। नेक्स्ट केस में चलते हैं कि अब ये केस आता है कि यहाँ पे जो कार है वो एम्प्लॉय की है, यहाँ पे एम्प्लॉयर की नहीं है, एम्प्लॉय की कार है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एम्प्लॉय की कार है, उसने हायर की हुई है या फिर उसने उसकी खुद की कार है, पर रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ एम्प्लॉयर पे करता है। ये सिचुएशन उल्टी हो गई सेकेंड वाले केस से, यहाँ पे एम्प्लॉय की कार है पर रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉयर पे करता है, तो इसका टैक्सेशन कैसे होगा? अगर इस गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए किया जाता है तो कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है एम्प्लॉय को। यदि इसका यूज पूरी तरीके से पर्सनल यूज होता है तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि एम्प्लॉयर कितना रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस का पैसा इंकर करता है, मतलब कितना पैसा एम्प्लॉयर रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पे करता है, वो हम अपनी टैक्स स्टेटमेंट में दिखा देंगे दोनों केस में, चाहे गाड़ी 1.6 लीटर की कैपेसिटी से ज्यादा हो या कम हो। ठीक है, थर्ड केस आता है कि अगर इस गाड़ी का इस्तेमाल ऑफिशियल ड्यूटी और पर्सनल यूज दोनों के लिए किया जाता है, ऑफिशियल ड्यूटीज और पर्सनल यूज के लिए किया जाता है और रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉयर पे करता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा कि एम्प्लॉयर ने कितना अमाउंट पे किया, एम्प्लॉयर ने कितना अमाउंट पे किया रनिंग एंड एक्सपेंसेस, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस का, आप उसमें से माइनस करोगे 1800 पर मंथ प्लस 900 अगर ड्राइवर की सुविधा मिल रही है तो। समझ में आ गया कि कितना एम्प्लॉयर ने पैसा पे किया है, माइनस करोगे 1800 पर मंथ प्लस 900 अगर ड्राइवर की सुविधा भी है तो। ठीक है, सेम केस यहाँ पे ये है, अगर ये 1.6 लीटर से ज्यादा है आपके इंजन की कैपेसिटी तो एम्प्लॉयर ने कितना अमाउंट पे किया, आप माइनस करोगे 2400 पर मंथ प्लस 900 अगर ड्राइवर की सुविधा मिलती है तो। ठीक है, अब समझ लीजिए कि एम्प्लॉयर जो है, यहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं है, ये एम्प्लॉय है सॉरी, यदि एम्प्लॉय को एक से ज्यादा कार की सुविधा दी जाती है, यदि एम्प्लॉय को एक से ज्यादा कार की सुविधा दी जाती है और उसका इस्तेमाल पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है तो इसका कैलकुलेशन क्या करेंगे कि जो एक्चुअल में पैसा एम्प्लॉयर उस पर इंकर कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर रनिंग एंड एक्सपेंसेस के चार्जेस जो पे कर रहा है एम्प्लॉयर, प्लस सैलरी ड्राइवर की, अगर ड्राइवर की सुविधा मिल रही है तो आपको इसमें प्लस करना होगा 10% एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार, कार की जितनी कॉस्ट है उसको 10% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये तीन चीजें आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है यदि आपको एक से ज्यादा कार की सुविधा दी जा रही है। अब हम कॉन्सेप्ट्स को एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहला एग्जांपल आता है कि एक कार है जिसकी जो कैपेसिटी है 1.6 लीटर से कम है, ये 6 नहीं है, 1.6 लीटर से कम है और ये मिस्टर एक्स की कार है, मतलब जो कि एम्प्लॉय है उसकी खुद की कार है, पर रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस जो है उसकी कंपनी या एम्प्लॉयर उठाती है जो कि है 60,000। और यहाँ पे तीन केसेस हैं, तीनों केसेस से समझते हैं। केस वन आता है कि यदि वो इस गाड़ी का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए करता है, यदि वो इस गाड़ी का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए करता है और रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस उसका एम्प्लॉयर उठाता है तो हम कितना टैक्स देंगे? 60,000 पूरा टैक्सेबल होगा जो कि एम्प्लॉयर रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पे कर रहा है।
केस टू आता है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए करते हैं, किसी भी केस में अगर गाड़ी कंप्लीटली ऑफिशियल यूज के लिए की जाती है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना होता। ऐसा ही इसमें भी है कि ऑफिशियल यूज के लिए हो रही है तो हमें किसी प्रकार का टैक्स ही पे करना। केस टू आता है कि 30% हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं और 70% इस गाड़ी का इस्तेमाल ऑफिशियल ड्यूटी के लिए करते हैं, तो इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम वो अमाउंट देखेंगे जो एम्प्लॉयर पे करता है रनिंग एंड मेंटेनेंस में, जो कि है 60,000, माइनस कर देंगे 1800 मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि पीछे इनकम टैक्स का प्रोविजन जो मैंने आपको बताया था। 1800 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे क्योंकि हमें पूरा पर एनम का लेना होता है, इसीलिए माइनस हो जाएगा 21,600, तो आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। ये केस ये था कि एम्प्लॉय की कार है पर एम्प्लॉयर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक कार है जिसकी कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, मतलब कि एम्प्लॉयर की कार है और ड्राइवर के साथ वो प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, और कार जो है दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है, पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए। और इस क्वेश्चन में और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कंपनी ने रनिंग एंड मेंटेनेंस पे 32,000 खर्चा किया है और ड्राइवर पे 36,000 खर्चा किया, और हमें इसे कंसिडर नहीं करना। कैलकुलेशन जो है रूल्स के हिसाब से होगी। सबसे पहले आता है कार के लिए हम 2400 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 2400 इसलिए लिया, 1800 नहीं लिया, 2400 इसलिए लिया है क्योंकि कार की कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो इतना आ जाएगा। और ड्राइवर की सुविधा भी मिल रही है तो 900 मल्टीप्लाई बाय 12 क्योंकि हम पर एनम कंसिडर करते हैं, तो आपको इतना अपने टैक्स स्टेटमेंट में ये दोनों अमाउंट दिखाने हैं। हम इस केस में इन दोनों अमाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे, ये जो हमें रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस दिए हुए हैं या ड्राइवर के कॉस्ट दिए, हमें इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है जैसा कि हमने पीछे रूल्स में सीखा है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल है कि कंपनी एक प्रोवाइड करती है गाड़ी जिसकी इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर तक है और वो मिस्टर एक्स पर्सनल यूज के लिए यूज करता है। कार की कॉस्ट है 5 लाख और जो कंपनी इस पे एक्सपेंसेस इंकर करती है वो है 52,000। हम इसकी कैसे परक्विजिस वैल्यू निकालेंगे, 52,000 पूरा टैक्स देना पड़ेगा प्लस 10% ऑफ 5 लाख, ये जो 5 लाख जो है कॉस्ट की कार की, इसका 10% निकालेंगे जो कि आएगा 50,000। इसमें 52,000 ऐड करेंगे जो कि रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है जो कि कंपनी इंकर करती है, ऐड कर देंगे 1,02,000 आ जाएगा, इस पे आपको अपना टैक्स पे करना होगा। आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। थैंक यू वेरी मच।